रायगढ़ शहर में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने दीनदयाल कॉलोनी में किरायेदार और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच अभियान चलाया। डीएसपी अभिनव के नेतृत्व में थाना कोतवाली, कोतरा रोड, जूट मिल और पुसौर थाने स्टाफ द्वारा दीनदयाल कॉलोनी के मकान में रहने वाले मकान मालिकों, किरायेदारों का सत्यापन किया गया और किरायेदारों की सूची तैयार की गई। सत्यापन कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों द्वारा किरायेदारों के आईडी लेकर चेक किए और उनके कामकाज की जानकारी लिया गया तथा उन्हें अवैधानिक गतिविधियों से दूर रहने की समझाइश दी गई। नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय ने अलाउंसमेंट कर बताया है कि मकान मालिक की व्यक्तिगत जवाबदारी है कि वह अपने थाने में किरायेदार की सूचना दे। उन्होंने मकान मालिकों को हिदायत दिया है कि मकान किराए पर देने के पूर्व अनिवार्य रूप से किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराए। अगर कोई मकान मालिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। रायगढ़ पुलिस की अपील है कि सभी अपने किरायेदार और नौकरों का संबंधित थाने में जाकर अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन करवा लें। किरायेदार और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कराही में प्याई सनीपरात्रे, राकेश मिश्रा, राम किंकर यादव, सीताराम ध्रुव और उनके स्टाफ शामिल थे। किरायेदार और संदिग्धों की जांच कार्रवाई अभियान स्तर पर आगे भी जारी रहने की जानकारी पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई है। आप सभी को बताया जा रहा है कोई भी किरायेदार अगर आपके पास रहता है तो उसकी जानकारी देना आपकी लीगल जिम्मेदारी है, आपकी वैधानिक जिम्मेदारी है। पुलिस थाना में सूचित करें, जिन्होंने भी सूचित नहीं किया है अलर्ट हो जाएं, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिनके यहाँ भी कोई भी किरायेदार है, कोई भी बाहर से रह रहा है, अनाधिकृत व्यक्ति कोई भी है, कृपया थाने में जाके सूचित करेंगे। जो थाने में नहीं बताएगा उसके खिलाफ धारा 188 IPC के तहत कार्रवाई होगी। और अभी जो भी बाहर से आए कृपया अपना अपना आईडी लेके बाहर आ जाए। अभी फोर्स आई है वो चेक करेगी।